ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। करनाल में पिछले दिनों एकाएक बाइक चोरी के मामले सामने आए थे, जिस कारण पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल निशान उड़ रहे थे और पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी। आपको बता दें कि पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट CI-1 की टीम को कामयाबी मिली है। शहर में बाइक चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आसानी से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। अब तक घटना को अंजाम देने वाले पुलिस की पकड़ से दूर नजर दिख रहे थे, लेकिन पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट CI-1 की टीम को कामयाबी मिली है और पुलिस ने चोरी शुदा 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वह चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है, जो करनाल और UP के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलें चुराते थे और जल्द ही 4 आरोपियों से रिकवरी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। जो 15 बाइक क्या मामला? SP साहब के आदेश अनुसार एंटी व्हीकल स्टाफ के इंचार्ज और SI रोहतास ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है, जिसमें उन्होंने टोटल 15 बाइकें रिकवर करी हैं, जो 4 चोरों को काबू किया है। और उन चोरों से 2 चोर कुलदीप और अंकित, ये दोनों सगे भाई हैं, और इन जो पस्ताना के रहने वाले हैं यूपी के, इनसे 8 बाइकें 9 बाइकें बरामद करी हैं और बाकी बाइकें एक सुमित है, एक को एक्सा है, उनसे अलग 4 एक्सा से और 2 बाइक सुमित से बरामद की। किस तरह से देते थे घटना को अंजाम? ये रैकी करते थे, रैकी करने के बाद फिर ये देख लेते थे भाई आसपास तो बाइक का मालिक तो नहीं है आसपास, और उसके बाद इसका लॉक तोड़ के चाबी भी रखते हैं एक टाइप की, जैसे स्प्लेंडर बाइकें हैं, स्प्लेंडर बाइकों का लॉक आसानी से खुल जाता है, तो ज़्यादातर इन्होंने स्प्लेंडर बाइकें ही चुराई हैं। तो पहले भी कोई मामले वगैरह दर्ज नहीं? एक्सा के खिलाफ है, वैसे एक के खिलाफ मामला दर्ज है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इनको इनसे रिकवरी करके इनको जेल भेजा जाएगा। तो डबल मार पड़ती है, तो इसलिए कंपनी से भी अपील है कि इनके लॉक जरूर चेंज करें, स्प्लेंडर को छोड़कर बाकी बाइकें बहुत कम चोरी होती है। चोरी करके कहाँ ले जाते थे मोटरसाइकिल? ये बेच देते थे अलग अलग जगह पर, बेच देते थे, सस्ती बेच देते थे, तो नशे वगैरह भी आते थे जी। और फिर ये नशा करते थे।